कदीम जमाने छ एक मालदार ताजर अपने टबर ते नौकर चाकरा नाल बड़े ठाट बाट नाल ईरान दे एक शहर च रहंदा आया। उसे कोल एक तोता आया जड़ा उसनु बहुत अजीज आया ते ताजर उसका बड़ा ख्याल रखता आया। ये तोता अपनी खूबसूरती ते सोहनिया सोहनिया गलों की वजह नाल अपनी मिसाल आ पाया। एक दिन ताजर ने तजारत की गर्ज नाल हिंदुस्तान सफर का इरादा किया। उन्हें सब कार वालियां से वारी वारी पूछा कि हिंदुस्तान से उन्हें वास्ते के तोहफा लियावे। सब ने अपनी अपनी फरमाइशा बता दीतियां। किसी ने कपड़े की फरमाइश की थी ते किसी ने जेवरात दी ते किसी ने खिडौने दी। वह ताजर अपने तोते से पूछने गया कि मिठू मियाँ तेरे से के लियावा। तोते ने किया कि हिंदुस्तान के एक जंगल च मेरे भैन भरा ते यार दोस्त रहिंदे हन। तू इस जंगल जावी ते उन्हां नूं मेरा हाल सुनावी कि किस तरह मैं तेरे को जिंदगी पिया गुजारना वा। इधर मनु सब कुछ मिलता वे बड़े आज़ादी लेंगी। इन्हों मेरा सलाम भी देवी ते ए भी कमी कि किधरों का दस्तूर है कि मैं इधर इस कैद जिंदगी गुजारना पिया ते तुसी इधर उधर जंगल आज़ादाना उड़ते फिरते हो ते तुहानू मेरी कोई परवाह नहीं। ताजर ने तोते नाल वादा किया कि वह हिंदुस्तान जाके इस जंगल जरूर जासी ते उसका पैगाम दूसरे तोतियां तक पहुँचासी। हिंदुस्तान पहुंचने के कुछ दिन बाद वह ताजर उस जंगल गया जिस तोते ने उन्हें जाने का किया। सैकड़ों परिंदे अपनी अपनी शाखा से इधर उधर उड़ते फिरते पे आए तो खुशी का इजहार भी करते आए। ताजर अपने वादे को याद करके तोतिया के खेल कोल गया ते अपने तोते का पूरा पैगाम उधर बैठे तोतिया सुना दिता। हेले ताजर की गल पूरी भी नहीं हुई आई कि एक तोता एक दम दरख्त से जमीन के तले टठा ते मर गया। ताजर ये सारा माजरा देख के बड़ा हैरान होया ते उसनु बहुत अफसोस होया कि शायद ये मरने वाला तोता मेरे तोते का रिश्तेदार हो सी, इस वजह नाल उसे गम च मर गया वे। मनु अपने तोते की कैद का हाल इनू नहीं सुनाना चाहिदा आया। चंद हफ्तों बाद ताजर वापस ईरान अपने कार आ गया। कार वाले वास्ते जड़े तोहफे तहाइफ उन्हें आंदे आए वो सब कुछ उन्हें तकसीम कर दिते। सब तोहफे लैके बड़े खुश आए। वह ताजर अपने तोते तरफ किया। तोता बड़ा बेचैन आया कि ताजर उसे दोस्तों का क्या सवाल जवाब ले आया हो सी। ताजर ने जंगल च होने वाला सारा वाकया तोते नूं सुना दिता ते किया कि मैनू बड़ा अफसोस है कि मेरी गलां सुन के उस जंगली तोते की जान चली गई। ताजर की गल सुन के तोता अचानक पिंजरे च टह गया ते इंज लगता आ कि वह मर गया वे। ताजर एकदम परेशान हो गया ते मुसलसल अपने आप नूं मलामत करदा रहा कि उन्हें क्यों अपने तोते नूं सारा वाकया सुनाया वे। काफ़ी देर रोने के बाद ताजर ने इरादा किया कि हुण तोते नूं पिंजरे चों कट के बाहर अपने बाग दफन कर दिता जाए। जो ही ताजर ने पिंजरे का दरवाजा खोला तो तोता फुरसी उठ के सामने दरख्त की शाख से जा बैठा। बेजान तोता एकदम जिंदा हो गया आया तो बाज की तरह परवाज भी करता आया। ताजर इस सारा मामला देख के हैरान आया तो तोते से पूछने लगा कि जंगली तोते से तने के सबक लेता वे तो यह सारा माजरा की वे। तोता कहने लगा कि मेरी खूबसूरती ते शीरी जबानी ही मेरी कैद का जरिया बनी आई। आज़ादी वास्ते मनु अपनी खूबसूरती ते जेबाई नूं छुपाना चाहिदा आया। जंगली तोते ने मनु डरा दिता कि यह पिंजरा मेरा कैद खाना वे जिस मैं सारी उम्र रह सा ते आखिर एक दिन मर जा सा, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती ते खुशहलहानी की वजह नाल हमेशा गुरूर करना आया ते ताजर कोल कैद आया। आज़ादी मेरा मुकद्दर नहीं गी, इस वास्ते मेरे से मर जाना ही बेहतर है। तोते ने अपने मालिक नूं अलविदा किया ते हिंदुस्तान की तरफ उड़ने लगा ताकि अपने नाल जाके मिले ते हकीकी आज़ादी का मज़ा लवे। इस दुनिया आज़ाद रहने वास्ते जरूरी है कि अपनी खूबियां ते खूबसूरतियां का जिक्र किसी अगे ना किया जाए ते ना ही उन्हां ते गुरूर किया जाए, क्योंकि धोखा देने वाली कशिश अक्सर बदबख्ती ते कैदो असरी का जरिया बढ़ जाती है।